राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती की पूर्व संध्या में देश की महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का एक संदेश पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने बापू को याद करते हुए क्या कहा है, उसका कुछ अंश आपको बताते हैं, उसके बाद उससे संबंधित खबर की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि सभी नागरिकों की ओर से मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सत्य और अहिंसा के अनुयायी बापू का जीवन पूरी मानवता के लिए एक विशिष्ट संदेश है। उन्होंने हमें शांति और सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता, अशिक्षा, स्वच्छता की कमी और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने के मिशन को अपनाया और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए। इस वाक्य को आप पुनः समझिए कि एक महिला राष्ट्रपति गांधी जयंती के अवसर पर संदेश दे रही हैं कि बापू ने महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए। आप अब आम जनता के बीच में यह चर्चा है कि बीजेपी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महज दिखावा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को वैधानिक तरीके से सशक्त किया जा रहा है, वहाँ भी नियम विरुद्ध तरीके से पुरुषों का कब्जा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। रीवा जिले में कई तस्वीरें ऐसी सामने आई और आती रहती हैं, जहां सरपंच तो महिला है लेकिन ग्राम सभा की बैठक, सरकारी कामकाज सब कुछ पति द्वारा किया जा रहा है। एक शब्द ही बन गया है, सरपंच पति। जनपद पंचायत में हो, नगर परिषद में हो, हर जगह महिलाओं की स्वतंत्रता व अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है और मूक दर्शक बनकर जिले की महिला कलेक्टर प्रतिभा पाल सब देखती रहती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए एक महिला कलेक्टर होकर कोई संतोषजनक ठोस कदम नहीं उठा पाती है, जबकि स्पष्ट आदेश है कि जो भी ऐसा करता पाया जाएगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, सरपंच हैं जहां महिला जनप्रतिनिधि हैं और उनकी जगह पुरुष, उनके पति या सगे संबंधी बैठक लेते हैं, सरकारी कामकाज में दखल देते हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा सिमरिया नगर परिषद का मामला अभी शांत नहीं हुआ, जहां ताला तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। तस्वीर सामने आई कि जिस सभागार का ताला तोड़ा गया, वहां बीजेपी की बैठक आयोजित की गई थी, जबकि शासकीय कार्यालय में व्यक्तिगत या फिर यह कहें कि किसी राजनीतिक पार्टी की बैठक नहीं हो सकती। उसके बाद जब महिला बाल विकास की अति महत्वपूर्ण बैठक होनी थी तो वहाँ ताला लगा दिया गया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर दर्जनों की संख्या में परियोजना अधिकारी सहित महिलाएं बाहर बैठी रहीं, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की भी तस्वीर सामने आई थी और हवाला दिया गया कि अनुमति नहीं ली गई थी। उसके बाद ताला तोड़ा गया, थाने में शिकायत लेकर पहुंच गए। ताला किसने तोड़ा, किसकी मौजूदगी में टूटा, किसकी सह में तोड़ा गया, यह अभी भी सवालों के घेरे में है। खैर, उसके बाद अब एक वीडियो सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि जिस कुर्सी में जो व्यक्ति बैठे हैं वह कुर्सी सिमरिया नगर परिषद अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की है और बताया जा रहा है कि कुर्सी में उनके पति राजेंद्र विश्वकर्मा बैठे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि ऐसे में कैसे महिला सशक्तिकरण हो पाएगा, जिस कुर्सी को आरक्षित कर दिया गया है कि यहाँ से महिला ही नेतृत्व करेंगी, किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप नहीं होगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जिस कुर्सी पर नगर परिषद अध्यक्ष के पति राजेंद्र विश्वकर्मा बैठे हैं वह उनकी पत्नी की कुर्सी है, जिससे सवाल उठता है कि यदि वह अपनी पत्नी की कुर्सी पर बैठकर काम काज करते हैं, नगर परिषद का कोई भी बयान जारी करते हैं, तो फिर शासन के नियम कानून कहाँ हैं? क्या केवल कागज में खाना पूर्ति के लिए कानून बनाए गए हैं, या फिर ऐसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नेताओं के आगे महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में नतमस्तक है? रीवा जिले की कलेक्टर एक महिला हैं, जिन्हें यह विचार करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए कि ऐसा किन किन ग्राम पंचायत में, किन नगर परिषद में और किन जनपद पंचायत में किया जा रहा है, और गंभीरता से इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई न होने पर जनता सत्ताधारी नेताओं से सांठ गांठ का आरोप भी लगाती है। यूं ही कोई अपना नाम जिले में नहीं बना जाता, उसके लिए कोई न कोई ठोस और सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। जनता के बीच में चर्चा है कि जब नगर परिषद की अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की जगह उनके पति राजेंद्र विश्वकर्मा को ही बैठना था तो चुनाव ही क्यों लड़वाया गया था, और नगर परिषद अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की कुर्सी में उनके पति का बैठना सीधे उनके पति द्वारा ही नगर परिषद की अध्यक्ष की अयोग्यता को दिखाया जा रहा है कि नगर परिषद की अध्यक्ष संचालन करने में असक्षम है, तभी तो वह कुर्सी पर बैठे हैं।
ऐसी जनचर्चा सिमरिया नगर परिषद में यह वीडियो वायरल होने के बाद होने लगी है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।